जितना भी ट्रक जाता है बालू का ट्रैक्टर पूरा शुरू होता है, पूरा सब्जी से पड़ता है। झील का गुब्बारा भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जब गाड़ियां गुजर रही हैं। मत पूछिए, इतना बालू गिरा हुआ है, बहुत डर लगता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में शुरू। मैं खड़ा हूँ रेलवे ओवरब्रिज के पास जो टेहरी और सोन में है। आप देख सकते हैं कि ओवरब्रिज के अगल बगल जो कोने हैं उन पे बालू के काफ़ी जमाव हैं, और ये बालू के जमाव उन ट्रैक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं या उन ट्रक के द्वारा किए जाते हैं जो कि अपने पे बालू लाद कर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके कारण कितना पॉल्यूशन होता है, इतना गिरता है कि लगता है कि पूरा धूल ही दिखाई दे रहा था, पूरा सब्जी मेरा धूल से पूरा तोपा जाता है, पूरा जितना सब्जी पे पूरा डस्ट पड़ जाता है, और हम लोग को हमेशा लगता है कि मास्क लगा के रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही डस्ट उड़ रहा है, जाम रहता है बहुत ज़्यादा हाईवे, तो उसकी वजह से खूब यहाँ पे भी हमारे बगल में पुल के नीचे ही बहुत सारा ही बालू जम गया है। धूल मिलता है सभी को पता नहीं होता है, मुझे पता नहीं होता है, खास करके आम इंसानों को ज़्यादा पता नहीं, इसलिए खाने के द्वारा उसके शरीर में गंदगी जा रहा है, जिसके कारण कई तरह के रोग जो नहीं है वो भी आने का संभावना है। यहाँ पे बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, ओवरलोड बालू बहुत जाता है, इतना जाता है ओवरलोड तो पूछे मत, पूरा धूल उड़ता है, एक बार अगर जाइए तो पूछिए मत, एकदम कपड़ा गंदा उंदा हो जाता है, इतना धूल उड़ता है कि मत पूछिए, इसके कारण तो बहुत डर लगता है। जब आदमी लोग आवाज़ उठाता है तब एक दो बार साफ हो जाता है, सिर्फ आदमी को दिखावा कर ले, उसके बाद जो फिर जैसा है वैसे ही रहता है। प्रशासन के आदेश के बावजूद कि दिन में ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी दिन भर यहाँ से ट्रैक्टर अनाधिकारिक रूप से चलते रहते हैं। नगर पालिका हमारे डेयरी में बहुत ही करीब है, उसको हर एक सप्ताह पर साफ सफाई करना चाहिए, जिससे साफ सफाई होते रहे और परेशानी किसी को, क्योंकि बालू रोड के किनारे लग रहा तो उसके वजह से एक्सीडेंट का भी खतरा है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट तो अभी बहुत हो रहा है। हमारे बगल में विधायक जी हैं फतेह बहादुर सिंह, उनको इस सब चीज़ पर विचार करना चाहिए कि साफ़ सफाई ज़्यादा हो, साफ सफाई रहेगा स्वच्छ रहेंगे, आप और हम सब कुछ स्वच्छ रहेंगे।